हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएलई फैमिली। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बीएलई फैमिली या सीएससी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और बीएलई, सीएससी, पीएमजी दिशा संबंधी जो भी नया अपडेट आता है लाते हैं। तो अभी एक नया अपडेट आया है कि 17 अगस्त तक आप मानव संपदा में अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयर हैं, वो इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो पहले इसमें कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था अपडेट, फिर से अपडेट खोल दिया गया है। तो आप इस पे आराम से अपने मोबाइल से या एंड्रॉयड ऐप, आईओएस ऐप से भी इसमें डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो हम आएंगे सबसे पहले मानव संपदा की जो ऑफिशियल साइट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइट को एक बार बता देते हैं, ehrms.upsdc.gov.in। जब इस पे आएंगे, इसको खोलने के बाद हम इस पे जाएंगे ehrms लॉगिन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले हमें हेड ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम बेसिक एजुकेशन संबंधित जो भी हमारे डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनके लिए इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उनका सलूशन हम आपको बताएंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है, हम यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। सेम प्रोसेस मोबाइल पर भी है, आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। मोबाइल का वीडियो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको मोबाइल से भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पर भरते हैं। तो ये हमारी फाइनली मानव संपदा पर हमारा रजिस्ट्रेशन था। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो ही यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसमें डिपार्टमेंट, एजुकेशनल सिस्टम, जो भी सारा है, आपका ऑफिस कहाँ है, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल है। तो हम जाएंगे जर्नल पे। जर्नल पे जाएंगे, वैसे ही नीचे विकल्प आएगा व्यू और अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दो तरह के इसमें डॉक्यूमेंट भरने होते हैं, एक तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में आप पैन कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस भर सकते हैं, दो में से कोई एक या दोनों। यहाँ पे किस तारीख को इशू किया गया, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, जैसे पैन कार्ड का नंबर या रियल नंबर क्या है, किस अथॉरिटी ने इसको इशू किया, और यहाँ पर से उसकी पीडीएफ जो कि 100 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर से सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है, फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ही हम अगला डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें ACR अटैक इसमें लिख के आएगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से समझ गए, अगर आपको ACR अटैक की प्रॉब्लम आती है यहाँ पे लिख के, सर्वर प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपडेट करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एजुकेशनल को सेलेक्ट किया। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, अब हमको सबसे पहले मार्कशीट यहाँ पे या सर्टिफिकेट अपडेट करना है, तो मार्कशीट मान ली हमको अपडेट करनी है, तो मार्कशीट पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चुनना है किस चीज़ की हमें करनी है। तो यहाँ पे हमें बीएड, बीएससी, एमएससी, जिस चीज़ की भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपडेट करनी है, तो यहाँ पर से तो हम TEC की करेंगे, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर से CTET, ETT, JBT, NTT, PIT, TET, तो जो भी हमने कर रखा है, तो यहाँ पर से मैंने CTET कर रखा है, तो यहाँ पर CTET सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इशू डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर किस अथॉरिटी ने इशू किया है, और यहाँ पर से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने फाइल यहाँ पे पहले से ही रखी हुई है, तो हम जाते हैं फाइल जो हमने यहाँ पे सेव कर रखी है। तो हमारी फाइल डॉक्यूमेंट्स में फाइल हमारी है, तो
तो हमारी ये फाइल्स है, एक नंबर और दो नंबर। तो फाइल नंबर एक को ओपन करते हैं। तो एक नंबर फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे सी टेट की फाइल है, सी टेट की मार्कशीट और डॉक्यूमेंट है। तो इसको यहाँ से हम जूम कर लेते हैं और जूम करते हैं। तो ये जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो एक नंबर है वो सर्टिफिकेट है और जो दो नंबर है वो मार्कशीट है। तो पहले हम मार्कशीट सेलेक्ट करते हैं। तो इसको हम पीडीएफ में है हमारा, ये 85 KB की फाइल है, 100 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर से हम सारी डिटेल देख लेते हैं। ये मार्कशीट है और ये ऑथराइज है डिजी लॉकर से, क्योंकि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो डिजी लॉकर से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रोल नंबर मांग रहा है, तो हम रोल नंबर यहाँ से लिख भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करके हम यहाँ पे रोल नंबर को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट यहाँ पे मांग रहा है, तो हम रोल नंबर को यहाँ पे देखते हैं कितना है। यहाँ पे रोल नंबर, पहले तो डेट भरेंगे कि इशू कब हुई। तो ये 4/1/2019 को इशू हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम इसको लिख भी सकते हैं 8001319। तो ये रहा रोल नंबर, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद किसने इशू किया, इस मार्कशीट को किसने इशू किया, तो इस मार्कशीट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली ने इशू किया। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या यहाँ से हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो हमने एक बार मिला लिया कि हमारा रोल नंबर, टेट इश्यू, सी टेट, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, मार्कशीट। इसके बाद हम फाइल चुनेंगे। तो यहाँ पर से हमने देखा था कि दो नंबर फाइल जो है हमारी, जहाँ पर भी आपने फाइल को सेलेक्ट कर रखा हो, ये दो नंबर फाइल, ये हमारी मार्कशीट है। यहाँ पर से हमारी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव लिख के आ रहा है, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, यू वांट टू सेव दिस डाटा, ये डाटा सेव करने के लिए आप श्योर हैं, यस कर देंगे। यस करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे लिखा है डाटा हैज बीन सक्सेसफुली सेव, यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद अपने आप ही इसमें दिखाई देगा कि आपने क्या 8-10 नंबर पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स, मार्कशीट, रोल नंबर, इशू डेट, यहाँ पे सेल्फ अपडेट बाई सेल्फ की है। तो यहाँ पर से हमारा पहला अपडेट हो गया। दूसरा हमारा मार्कशीट अपडेट हो गई, सर्टिफिकेट अपडेट करना है। सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो मैंने किया है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने जो भी कोर्स कर रखा है, टी टी सी टेट, तो यहाँ पे टी सी टेट कर रखा है, इश्यू डेट। अब हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने जो भी हमने डॉक्यूमेंट था सी टेट का, सी टेट का डॉक्यूमेंट ये रहा हमारा। तो इसको हम जूम करते हैं। अब इस ये इशू के बहुत 9/12/2018 को इशू हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इशू डेट, तो यहाँ पे 9/12/2018 को ये जो भी डेट इशू की गई थी, इशू डेट पे हमने क्लिक करके। इसके बाद हम रोल नंबर यहाँ से, बाद इशू किसने इसको इशू किया, तो इसको इशू किया है सेंट्रल बोर्ड ने। सी टेट जो होता है वो सेंट्रल की ओर से होता है, तो उसको यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये पीडीएफ अगर हमारी डिजी लॉकर की है तो हम इससे कोई भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं, अगर हमारी डिजी लॉकर्स की नहीं है तो हमको अपने सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना था
डबल हो गया, सॉरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। अब यहाँ पर हम फाइल चूज करेंगे, तो हमें पता है फाइल नंबर एक हमें चूज करना है। यहाँ से फाइल हमने चुन ली है। फाइल चुनने के बाद एक बार हम सारी चीज़ें मिला लेंगे, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, टीसी कोर्स, सीटेट 9/12/2018 को इश्यू हुआ था, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, फिर इस पर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे फिर से मांगेगा, यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि सर्वर पे, सिस्टम पे अपडेट हो रहा है। अब डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तुरंत नीचे लिख के आएगा सीटेट ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट अपडेट हो गया। यहाँ पे यहाँ से एक बार चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पर से ये दोनों अपडेट हो गए लेकिन अचीव नहीं हुए, मतलब सर्वर पे वेरीफाई भी नहीं हुए। जब ये अचीव हो जाएंगे तो यहाँ पे अचीव लिख के आने लगेगा। यहाँ पर से हम देख भी सकते हैं न्यू लिंक ओपन करके, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं देख पा रहे। तो इस तरह से आप आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें एक बार रिफ्रेश करते हैं, डॉट। अब अगर आपको ये देखना है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपडेट हो गए हैं तो व्यू अपडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सारे अपने डॉक्यूमेंट मिला सकते हैं, रोल नंबर क्या है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इश्यू डेट क्या है, रोल नंबर क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।